जस्ट यहाँ पे 16 पोस्ट के ऊपर गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है और ये जो ब्लॉग है ब्लॉगर के ऊपर बनाया गया और यहाँ पे कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं की गई। जी मेरे भाई आपने सही सुना, यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट यहाँ पे अपलोड नहीं किया गया, टेम्पलेट को कस्टमाइज नहीं किया गया। जो ब्लॉगर का अपना टेम्पलेट होता है, फ्री वाला टेम्पलेट जो ब्लॉगर का अपना होता है, जो डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है, वही यहाँ पे यूज है और यहाँ पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ पे कितने पोस्ट के ऊपर मिला, कैसे मिला, ए टू जी आपको दिखाते हैं वीडियो में कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाकर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात कहूंगा जो अपनी हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, चैनल पे पहली दफा आए हो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक आ सके। इस सब्सक्राइब के बटन को चाहे तोड़ो चाहे फोड़ो या फिर आग लगा दो, मुझे कोई इशू नहीं, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो चलो यार इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार हमारा ये वाला ब्लॉग है, अगर मैं यहाँ पे आके व्यू ब्लॉग के ऊपर जाके आपको दिखाऊँ, यहाँ पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल है, ठीक है, ये देख लो यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन वाला ऐड आ चुका है आपके सामने। एड्स पे गूगल स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे आपको एड्स पे गूगल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई एक आध मैं पोस्ट यहाँ पे ओपन करके दिखाऊँ, देखो विग्नेट ऐड आ चुका है, क्लोज किया मैंने इसे और यहाँ पे पोस्ट ओपन होगी। पोस्ट के अंदर अभी एड वगैरह का सेटअप यहाँ पे नहीं किया, इसलिए यहाँ पे एड्स वगैरह नहीं शो हो रहे पोस्ट के अंदर, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे मिला, कितने आर्टिकल्स पे मिला और इस पे टेम्पलेट जो है वो आपके सामने है, ठीक है। ये टेम्पलेट आपके सामने बिल्कुल सिंपल टेम्पलेट है, जो डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है वही टेम्पलेट है, इस पे कोई भी टेम्पलेट कस्टमाइज नहीं किया गया, फिर भी एडसेंस का अप्रूवल मिला, कैसे मिला वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहले लाइव प्रूफ के तौर पर आके देख लो गूगल एडसेंस के अंदर, यहाँ पे साइट्स के अंदर जाते हैं, यहाँ पे ये डोमेन देख लो आपके सामने है, ठीक है, और यहाँ पे आके ये ऊपर डोमेन देख लो, दोनों आपके सामने, ये डोमेन और ये वाले डोमेन दोनों सेम है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आते हैं ईमेल के अंदर, आपको दिखा दे 31 जुलाई को यहाँ पे ये ईमेल आया, देख लो आपके सामने 31 जुलाई को ईमेल मिला कि हमारी साइट अप्रूव हो चुकी है, योर साइट इज अप्रूव, ठीक है। यहाँ देख लो कंग्रेचुलेशन ऑन एक्टिवेटिंग योर एडसेंस अकाउंट, ठीक है, यानी कि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ पे आपको बता दिया गया योर साइट, ठीक है, आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है। अब यहाँ पे चले जाते हैं, ये जो टेम्पलेट है देख लो बिल्कुल सिंपल टेम्पलेट है, ठीक है, सिंपल टेम्पलेट है, इस पर कुछ भी कस्टमाइज नहीं किया गया, बिल्कुल सिंपल डिफॉल्ट टेम्पलेट है, सिर्फ पेजेस बनाए गए, सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे 16 पोस्ट करी गई है और यहाँ पे ट्रैफिक देख लो आपके सामने है, कुछ भी ट्रैफिक नहीं है, थोड़ा सा ट्रैफिक है। फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे 31 अक्टूबर 2021 में की गई थी और यहाँ पे उसके बाद जाके देख लो कोई भी यहाँ पे काम नहीं किया गया। उसके बाद यहाँ पे ये तीन आर्टिकल जो है 9 अगस्त को किए गए थे, ये भी 2021 में ही इस पे काम किया गया था और यहाँ पे छोड़ दिया गया था एडसेंस के लिए अप्लाई करके। बाद में जब चेक किया गया है तो इस पे एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है और यहाँ देख लो आपके सामने एडसेंस का अप्रूवल भी है और यहाँ पे देख लो एड्स भी आपको शो हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एड्स आपके सामने है। और यहाँ पे पेजेस की बात करें तो सिर्फ 4 पेजेस है, डिस्क्लेमर अबाउट अस प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टैक्ट अस का पेज है और बिल्कुल सिंपल टेम्पलेट है, यहाँ पे कुछ भी कस्टमाइज नहीं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे आपको सिंपल टेम्पलेट पे अप्रूवल नहीं मिलता, तो आपके सामने सिंपल टेम्पलेट पे भी अप्रूवल मिला है, डॉट कॉम वाला डोमेन यहाँ पे यूज किया गया तो सिंपल टेम्पलेट पे भी अप्रूवल मिला है। अगर स्टैट्स की बात करें यहाँ पे ट्रैफिक कितना आता है वो भी आपको दिखाता है, तो यहाँ पे देख लो टुडे का ट्रैफिक 14 है और यस्टरडे 65 था, दिस मंथ का यहाँ पे 1600 है। यहाँ पे जैसा कि आपको बताया गया काम करके छोड़ दिया गया था 2021 में और यहाँ पे 16 आर्टिकल पोस्ट हुए उसके बाद काम करना छोड़ दिया और बाद में एडसेंस के लिए अप्लाई करके छोड़ दिया, बाद में पता चला एडसेंस का अप्रूवल हो चुका है। अब यहाँ पे देख लो यार आपके सामने सारा कुछ है। अगर मैं अर्निंग्स के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे बता रहा है योर ब्लॉग इज कनेक्टेड टू एडसेंस, यानी कि इस पे एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है। उसके बाद पेजेस के अंदर आके भी अगर आपको दिखाऊँ 4 पेजेस यहाँ पे बनाए गए, 4 से ज्यादा पेजेस भी नहीं है। लेआउट की बात करें तो यहाँ पे देख लो सिंपल लेआउट है, ठीक है। थीम की बात करें तो इसका जो अपना टेम्पलेट होता है वही है। अगर यहाँ पे थीम के अंदर आके आपको दिखा दिया जाए, देख लो यहाँ पे कस्टम मॉडिफाई माई थीम, यहाँ पे ये जो सिंपल ये वाला थीम है ना, देख लो फर्स्ट वाला है, ठीक है, यही वाला थीम है आपके सामने, ये वाला जो डिफॉल्ट होता है वही थीम यहाँ पे लगा हुआ है। और सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे सिंपल सेटिंग है, जैसा कि मैं आपको अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हो, सेम वे के साथ यहाँ पे सेटिंग की गई है और सारा कुछ आपके सामने, यानी कि कहने का इस वीडियो बनाने का मतलब ये है कि अगर आपने काम ठीक किया ना, आर्टिकल खुद लिखे है, सही काम किया है, तो आपको फ्री वाले टेम्पलेट के ऊपर जो गूगल एडसेंस का जो ब्लॉगर का अपना टेम्पलेट होता है उस पर भी आपको एडसेंस का अप्रूवल 101% मिलता है। देख लो खुद आर्टिकल लिखो तो 101% आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, ठीक है, सिंपल टेम्पलेट के ऊपर भी। आई होप यार आपने देख लिया कि इस ब्लॉग पे एडसेंस का अप्रूवल कैसे मिला, कितनी पोस्ट पे मिला, कौन सा टेम्पलेट है ए टू जी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मोटिवेट करता है मुझे इस तरह की नई नई वीडियोस लेके आने के लिए, इसलिए मेक श्योर करना आपने वीडियो को भी लाइक किया और यहाँ पर चैनल को भी सब्सक्राइब किया ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक आ सके।
इसके अलावा अगर आप लोग वर्डप्रेस पे काम करके एक मंथ के अंदर अंदर अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो, मंथली यहाँ पे $200-$300 स्टार्टिंग में अर्न करना चाहते हो, उसके लिए आपके भाई ने पेड कोर्स लॉन्च करा हुआ है। अगर आप पेड कोर्स वर्डप्रेस का लेना चाहते हो, बाय करके वहाँ पे अर्निंग करना चाह रहे हो, तो यार नीचे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप लोग पेड कोर्स बाय कर सकते हो और वहाँ पे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो।